हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ टी टाइम स्नैक्स मुरमुरा नमकीन, जो ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया है। इसको आप बहुत ही जल्दी बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं। तो अगर आपको मुरमुरे की रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल बटन है उसे दबाइएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो देख लेते हैं मुरमुरा बनाने की रेसिपी। मुरमुरा नमकीन बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी ले ली है मुरमुरा, तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें डाल दी है मैंने 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल। इसे हम गर्म होने देंगे। तो तेल जो है गर्म हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें। मैंने 2 चम्मच भर के लिए हैं कच्ची मूंगफली। इसे हम इसमें हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। तो मूंगफली जो है हल्की हल्की रोस्ट हो चुकी है, और अब लिए है मैंने 2 चम्मच भर के काजू। काजू को भी हम इसी के बीच में रोस्ट होने के लिए डाल देंगे। काजू और मूंगफली जो हल्की रोस्ट हो चुके हैं, अब लिए है मैंने 2 चम्मच भर के कम से कम 10 से 12 बादाम। इन्हें भी इसी के बीच में डाल के रोस्ट करेंगे। तो काजू, बादाम और मूंगफली का कलर जो हल्का हल्का चेंज हो चुका है, अब इनको हम इसी कढ़ाई में साइड में कर लेंगे। और इसके बीच में मैं डाल रही हूँ अब 1 टीस्पून भर के जीरा। जीरे को भी इसमें हम चटकने देंगे, और साथ में हमारे ड्राई फ्रूट्स में जो भी हल्का कच्चापन होगा वो साथ में निकल जाएगा। ये देखिए जीरा भी जो है चटक चुका है, और लिए हैं मैंने साथ में सूखे हुए करी लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी डाल सकते हैं, और इन्हें भी अच्छे से इसमें रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने अभी लो मीडियम में रखा है। तो 1/2 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैं इसी तरह से पहले तड़के में डालती हूँ, बाद में डालने से जो है हमेशा जब हम नमकीन खाते हैं तो हमारे हाथ में हल्दी का कलर आ जाता है, और इस तरह से हल्दी डालने से हल्दी जो है पक जाती है। इन सबको अब अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत अच्छा कलर आया है। अब ली है मैंने किशमिश। मैंने ली है 3 चम्मच भर के किशमिश के। इसे भी इसके बीच में हम डाल देंगे और इसे हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। दाख हमारी हल्की हल्की रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मुरमुरा मैंने बड़ी कटोरी भर के लिया था। इसे भी इसके बीच में डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमकीन में अच्छा कलर आए इसके लिए ली है मैंने कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून। ये भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ले रही हूँ मैं चाट मसाला, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के। और 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने काला नमक, इसे भी हम इसके बीच में डाल देंगे। इसका टेस्ट जो है नमकीन में बहुत अच्छा आता है। और साथ में लिया है मैंने सफ़ेद वाला नमक 1 टीस्पून से कम। आप अपने हिसाब से जितना नमकीन बना रहे हो उसी हिसाब से नमक जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम अब इसे फुल फ्लेम पे ही थोड़ी देर के लिए इस तरह से रोस्ट करेंगे।
ताकि नमकीन जो है अच्छे से बिल्कुल करारा बन जाए। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक्स है। आप जब भी टी टाइम में स्नैक्स बनाएं तो इस स्नैक्स को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए जी, हो गया है हमारा मुरमुरा नमकीन रेडी। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। इसे आप इस तरह से बना के एक महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे तभी आप इसे निकाल के खा सकते हैं। ये इसी तरह का जो नमकीन है बिल्कुल करारा बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।